शुरू से ही मौका लगा है मुझे आप लोग साथ मिलकर और काम करने का। मुझे तो बड़ा ही बेहद और बेहद आश्चर्य लग रहा है कि इतना जल्दी मैं अपने आप में एक अलग बदलाव देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता क्षेत्र में मैं अच्छा से अच्छा काम करूँ आप लोगों के साथ मिलकर। आज स्थापना दिवस है 23वां, और इस उपलक्ष्य में हम आए हैं, थोड़ा विलम्ब भी हुआ है उसको, इसके लिए क्षमा भी प्राप्ति हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहूँगा ये इस तरह से संस्था जिस तरह से आप चला रहे हैं और ये बेहतर से चले, और इसके साथ शुभकामनाओं के साथ आपके साथ नमस्कार। आज भारतीय पत्रकार महासंघ का 23वां स्थापना दिवस पर हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं, और यह जो है कार्यक्रम प्रत्येक साल मनाया जाता है, और उसके बाद जो है वृक्षारोपण किया जाता है। बदलते परिवेश में पत्रकारिता एक अहम भूमिका होते जा रही है, और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका मेरा मानना है कि कुछ लोग बिना शिक्षित अशिक्षित लोग आ गए हैं। पत्रकारिता के दौर में शिक्षित होना जो है अनिवार्य है, और एक दूसरे का साथ देकर कदम से कदम मिलाकर चलने में ही जो है अच्छा है, और आगे अगर चलना है तो टीम के साथ जुड़ के चलिए। धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले जो हम विलम्ब से आए हैं, कहीं ना कहीं हम सभी पत्रकार बंधु निजी रिपोर्टिंग का काम करते हैं, न्यूज कलेक्शन करने में थोड़ा विलम्ब हो गया, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। और ये जो एक प्लेटफॉर्म है नेशनल इंडियन नेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, यूनिटी है, क्योंकि बहुत सारी जगह हर स्टेट में पत्रकारिता चल रही है, लेकिन पत्रकारों के ऊपर जो उंगली उठाया जाता है उसके लिए कोई यूनियन नहीं होता, उसके लिए प्रेस क्लब बहुत जगह नहीं होती है। तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस जयनगर के यूनिट को और हमारे प्रोफेसर साहब को, जिन्होंने ये यूनिट से हमें संपर्क करवाया और हम लोगों को एक संरक्षण दिए, एक परिवार की तरफ गार्जियन के तौर पे हमें संभालने का काम किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे मधुबनी जिला में जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं वो सभी इस संघ से जुड़े और अपने आप को मजबूत करें, और हमारे इस भारतीय राष्ट्रीय पत्रकारिता महासंघ से जुड़कर इसको एक नए मुकाम तक पहुंचे। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 23वें स्थापना दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। और यह संगठन एकता का ही प्रतीक है। इस संगठन से जुड़ के जो है आज हम लगभग 3 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सर के आदेश अनुसार से चलते रहे, बहुत कुछ आगे उम्मीद है कि सर का आशीर्वाद अगर रहे तो जो है आगे बहुत हम और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ जयनगर, जैसे नवंबर में 16 नवंबर को जो कार्यक्रम होगा तो जयनगर विशेषांक करके जो एक डायरी प्लस जो है ना विद्यांजलि लोकार्पण होगा, तो उसमें यही करके अपना वाणी को इसमें अपना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर, और राष्ट्रीय संपादक भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के भगवान प्रसाद उपाध्याय जी के जन्म दिवस के भी अवसर पर, और दोनों ही शुभ अवसर पर इस महिला परिसर में आयोजित हमारे गार्जियन के रूप में जगदीश प्रसाद यादव जी, मनीष सिंह यादव जी, सुरेश प्रसाद गुप्ता जी, संजय पंडित जी, और फिर जो पत्रकार बंधु हैं जो दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। और दो शब्दों में हम कहना यही चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इस शाखा को हमारे गार्जियन स्वरूप प्रिंसिपल महोदय श्री जगदीश यादव जी इस जिला में इसकी स्थापना किए हैं, इसकी नींव डाले हैं, और इस नींव को पूर्णतः मजबूत रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए आप सभी बंधुओं से हमारा एक विशेष आग्रह है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें, भागीदारी करते रहें, इस संगठन को मजबूत बनाते रहें, और इसके जो भी छोटे बड़े प्रोग्राम होते हैं जब भी सभी इसमें सम्मिलित हों और इस प्रोग्राम को सफल बनाते रहें, और इस एकता अखंडता न्यूज संकलन करना, उसको पब्लिश करना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, तो उस समय लोग इतना महत्व नहीं देते थे, उस समय मतलब जो को लोग तवज्जो देते थे और कहते थे कि यूट्यूब पे कौन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन देखता है, लेकिन आज ये ज़्यादा वर्ष बीते भी नहीं है, 6-7 वर्ष बीते हैं, और आज पूरे विश्व स्तर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो दबदबा है वो सभी मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में बाकी सारे माध्यमों को निरस्त कर चुकी है, खत्म कर चुकी है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज
अगर इस मधुबनी जिले में अगर सबसे बेहतर और सबसे प्राथमिक स्तर पर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व समझाने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो प्रोफेसर साहब हैं, जो आज 2015 से लेकर आज तक सतत ये एक तरह का ज्ञान भी हमें मिला। पहले लोग इतना सजग नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, लेकिन इन्होंने जो इनिशिएट किया, जिस तरह से अपने चीज़ों को रखा समाज के अंदर, अब देखिए हर जगह से जो है आपको पत्रकार मिलेंगे, एक से एक पत्रकार मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जगत में अपना परचम लहरा रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुधांशु जी फोटो ला जाइए अभी आ जाइए।